नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टू पॉइंट पर। मेरा नाम है दीपक और आज का दिन है हमारा सातवां, जिसमें हम पर्यावरण संविदा पात्रता परीक्षा 2020 जो मध्य प्रदेश की हो रही है उसके पर्यावरण सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज हम इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा टेस्ट हमने संडे को रखा था और अगला टेस्ट हम फिर संडे को रखेंगे। हर सातवें दिन हम टेस्ट रखते हैं संडे के दिन, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन कवर करते हैं जो हमने पिछले सभी दिनों में किए हैं, जिससे कि हम ये आपका आकलन कर पाएँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मनोरंजन के लिए बीच में मेरे द्वारा इसी चैनल पर आपको कुछ प्लेसेस के एमपी टूरिज्म विभाग के कुछ प्लेसेस के वीडियो भी डाले जाते हैं, जैसे कि आज मैंने इसमें अपलोड किया था चोरल डैम जो कि महू में स्थित है, वो वीडियो भी आप अपना माइंड फ्रेश करने के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डॉल्फिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल स्तनधारी घोषित किया गया है, ये घोषित कर लीजिएगा। डॉल्फिन में विभिन्न प्रकार की आवाज़ पहचानने की क्षमता होती है, तो क्या दोनों कथन सही है, एक है या फिर दोनों ही कथन सही नहीं है? तो बता दूं कि विभिन्न प्रकार की आवाज़ पहचानने की क्षमता होती है और इसको राष्ट्रीय जलीय स्तनधारी घोषित किया गया है, तो इसमें आ जाएगा आपका एक और दो दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आज हम कथन पर विचार करके उनके कूट का आंसर करेंगे। डॉल्फिन को श्वसन के लिए बार बार पानी के ऊपर आना पड़ता है और डॉल्फिन श्वसन क्रिया में श्वसन क्रिया जो है फेफड़ों से करती है, इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो बता दो कि दोनों ही कथन आपके सत्य है कि डॉल्फिन जो है श्वसन क्रिया फेफड़ों से करती है और डॉल्फिन को फेफड़ों से श्वसन क्रिया करती है इसलिए बार बार सतह पर आना पड़ता है। तो दोनों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जंतु बच्चों की पर्यावरणीय समझ विकसित करने में सहायक है। जंतुओं के बीच रहने से बच्चों को जीव विविधता समझने में मदद मिलती है। बच्चों में पशुओं के साथ रहने से अन्योन्याश्रित क्रियाओं की समझ बढ़ती है, मतलब दूसरों पर रहने की क्रियाओं की समझ बढ़ती है। इनमें से हमारा कौन सा पॉइंट सही है? बता दो दोस्तों कि आपका जो दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है, पहला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जंतु बच्चों की पर्यावरणीय समझ को विकसित नहीं करते हैं, बाकी जीव विविधता को समझने में मदद करते हैं, साथ में दूसरों पर आश्रित होने की क्रियाओं को समझने में मदद होती है। तो इसका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा दो और तीन। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही क्वेश्चन सरल है ये वाले, जैसा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन वरदान साबित हो सकता है और भारतीय कृषि में पशुओं की पर्याप्त महत्व है, तो ये दोनों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और दो। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिराफ की लंबी गर्दन होती है, ये भी तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन है। जिराफ की गर्दन ऊंचे पेड़ों की पत्तियों खाने के लिए अनुकूलित हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है कि वो अपनी गर्दन को थोड़ी और लंबी कर सकता है जितनी हमें दिखाई देती है उससे भी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला जैसे कि ग्रेट कहते हैं पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन है भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है, घास पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, तो तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। बता दूँ कि जो हमारी भैंस है उसके ऊपर जो कीट वगैरह रहते हैं जिनको हम परजीवी बोलते हैं उनको खाता है बगुला उसके ऊपर बैठकर, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी खाता है, पहला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सात, कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे जंतु सूक्ष्मजीव ये सब जीवी कारक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तर, ठीक है, ये सब नहीं आएंगे इसमें, तो कारक जो नहीं है वह प्रस्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो दूसरे मरे हुए जीवों को खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो जीव क्या कहलाते हैं? वे स्क्वेंजर कहलाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो प्रजनन और भोजन बनाना, वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और अनुकरण करना, वृद्धि और प्रजनन, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जो दोनों में कॉमन होती है वो चीज़ होती है आपकी वृद्धि और प्रजनन, तो चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला दसवां हमारा जो क्वेश्चन है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए।
हमारे देश में चार तरह के सांप पाए जाते हैं। नाग, कोबरा, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांपों के चार खोखले दांत होते हैं। सांप को काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब हमारे पास कूट में दिए हुए हैं 3, 4 और 1, 2, 1 और 3। तो देखिए पहले इनके जो आंसर है वो 1, 2 और 3 और 2, 3 और 4। तो बता दूँ इसका जो पॉइंट नंबर तीसरा है ये गलत है, क्योंकि दो खोखले दांत होते हैं। इसका मतलब हमारा जो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, कि चार जहरीले सांप पाए जाते हैं जिनकी प्रजाति है किंग कोबरा, इरेसरल वाइपर, कॉमन थ्रेड और साइस्किन वाइपर। ये चार प्रजातियां हैं सांप की जो हमारे भारत में पाई जाती है। और नाग, कोबरा, जहरीला प्रकार का सांप है और सांप के काटने दवाई उसके जहर से बनाई जाती है। तो 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसका सही आंसर जो है वो है आपका 1, 2 और 4। तो इसमें 1, 2 और 4 जो है किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा है, तो आप इसका करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा, तो ये इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर एक शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं, तो वह उसके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो उसके लिए सबसे अच्छा जो समय होता है वह अक्टूबर से दिसंबर का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 2, ऑप्शन हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 12 जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो जो जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इटियोलॉजी बोलते हैं, नियोलॉजी बोलते हैं, इथोलॉजी बोलते हैं या डेमोलॉजी बोलते हैं। तो अपने अपने विभाग के अध्ययन करने के हिसाब से उनके नाम रखते हैं। लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इथोलॉजी, जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो करते हैं। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, चमगादड़ स्तनधारी होते हैं क्योंकि, स्तनधारी मतलब मेमल्स, मेमल्स उनको बोलते हैं जो बच्चे देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बच्चे देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 14, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस तरह से देखते हैं? लाल रंग में देखते हैं, सफ़ेद रंग में, हरे रंग में, जो इसमें दिए हैं। तो उनको काली और सफ़ेद ब्लैक एंड व्हाइट ही चीज़ें दिखाई देते हैं, उल्लू वगैरह जो रात में दिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। ये वर्ष लिखा ही वर्ष हो जाएगा। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, एक ही हो गया। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और एक लास्ट है हमारे, एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो बता दूं कि इसमें हमारा जो है दोस्तों, हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, ये सही है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक प्रकार एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, तो ये बिल्कुल सही है। और अगला, एक झुंड में हथनियों और बच्चे की संख्या कितनी हो सकती है, ये गलत है। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो है पहला और तीसरा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 1 और 3, यानी कि थर्ड नंबर का ऑप्शन है जो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।